अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर और बना लिया जिसका नाम है 5.ES6 इनपुट आउटपुट। सही है जी। और इसके अंदर एक हमने जो इंडेक्स की फाइल बनाई हुई है उसके अंदर बेसिक सा एक HTML यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ES6 इनपुट आउटपुट। अच्छा, तो लास्ट हमने पढ़ लिए थे मैथ ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। हम अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर आ जाते हैं वापस। हमने लास्ट वेरिएबल के दो टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। अभी तक ये हमने जावास्क्रिप्ट में कवर कर लिया है, ठीक है। और अब अगर कोई किसी ने कल वाली क्लास मिस कर दी थी, ये ऑपरेटर्स वाली या ये वाली मिस कर दी थी, तो वो उसकी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी रिकॉर्डेड। कल वाली तो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कर दूँगा इंशाल्लाह जल्दी। तो आज हम क्या करते हैं, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, यानी कि हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे कि बूलियन वेरिएबल, जैसे कि एरे और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये हमने अभी कवर नहीं किया, ठीक है। फिर उसके हमने आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले हम क्या सीख लें, यूज़र से इनपुट लेना हम सीख लें। अभी तक हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया। अभी तक हम ये करते थे कि अच्छा जी माई नम इक्वल्स टू 5, कि माई नम के नाम से एक वेरिएबल, उसमें 5 है, हम एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम क्या होगा, वो यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये एक बात कॉमन होती है कि वो सारे के सारे IPO मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। IPO मॉडल का मतलब क्या होता है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये जी मैंने IPO मॉडल लिखा ना, तो यहाँ पे ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट आ गया। तो यही मॉडल होता है कि जो है ना, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठाकर देखें वो इसी पे चल रहा होता है, यही पैटर्न होता है उसके चलने का। तो इसकी अगर कोई मुझे इमेज मिल जाए अच्छी सी, ठीक है, ये एक्चुअली ये एक इमेज है हमारी अच्छी, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आप सोचेंगे ना, अगर वो फोटोशॉप हो सकता है, वो व्हाट्सएप हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, एक्चुअली हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कुछ ना कुछ, उसको प्रोसेस करते हैं, और यानी एज अ सॉफ्टवेयर जो है कोई ना कोई चीज़ उसको एज अ इनपुट मिलती है। फेसबुक को कोई ना कोई चीज़ एज अ इनपुट मिलती है, उसको वो प्रोसेस करता है और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट भी दिखाता है वो, ठीक है। जैसे एक 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 फोटोकॉपी मशीन है, जो एक फोटोकॉपी की जो मशीन है वो किस तरह से करती है ये वाला काम, एक सॉफ्टवेयर है फोटोकॉपी की मशीन के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो उसको उसको डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरह से क्या करना है। उसमें एक इनपुट रखते हैं हम, यानी कि एक ओरिजिनल पेपर जो जिसकी मुझे कॉपी तैयार करनी होती है, और ओरिजिनल पेपर रख के मैं जब उसको बटन दबाता हूँ, उसमें एक ही बटन होता है बड़ा सा, उसको दबाओ कॉपी निकल जाती है ना, तो बस वो जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो क्या करता है वो उस पेपर को लेके प्रोसेस करता है कुछ, उसकी शायद वो फ़ोटो खींचता है मे बी, या उसको स्कैन वस्कैन कुछ करता है किसी तरह से, उस पर कोई लाइट वाइट मारता है शायद, वो अंदर से रोशनी निकलती है, तो लाइट मार के उसकी क्या करता है उसको एक दूसरे पेपर पर छाप देता है और वो दूसरा पेपर एज आउटपुट मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना। तो हर मशीन का, हर सॉफ्टवेयर का इसी तरह से कोई ना कोई इनपुट, उस इनपुट को प्रोसेस करना और उसका आउटपुट साबित है। व्हाट्सएप के अंदर ये इनपुट आउटपुट कौन मुझे बताएगा किस तरह से, हाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, यही तरीका जो है पैटर्न IPO जो मॉडल है हमारा, ये क्या होता है जब हम कोई मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप एज अ सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, तो व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है उसको जो हम इनपुट देते हैं वो क्या देते हैं, हम दो चीज़ें देते हैं इनपुट में। नंबर एक, वो मैसेज जो मुझे भेजना है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में। नंबर दो, उस बंदे का नंबर जिसको वो मैसेज भेजना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें वो एज अ इनपुट हमसे रिसीव करता है समहाओ। हम नंबर हर दफ़ा हाथ से नहीं लिखते, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो उसको उन्होंने ईजी किया हुआ है इस्तेमाल के लिए। तो लेकिन आप आज से अभी कुछ अरसे पहले तक जाएंगे जो SMS जो करते थे, SMS उसमें बाकायदा ही होता ना कि पहले राइट मैसेज में जाते थे, फिर जब सेंड का बटन दबाते तो बाकायदा एक बॉक्स लगा हुआ आता था, उसमें नंबर लिखने के लिए कहता था वो, उसमें हाथ से नंबर टाइप करके हम सेंड दबाते थे चला जाता था, इस तरह होता था। फिर बाद में वो फ़ोन बुक वगैरह आ गई कि जी अच्छा फ़ोन के अंदर ही बिल्ट इन जो है फ़ोन बुक होगी, कि जी वो जहाँ पे नंबर लिखने का आ रहा होगा वहीं पे एक बटन आ रहा होगा फ़ोन बुक, तो फ़ोन बुक में जाएंगे तो जो सेव हुए हुए नंबर हैं उनमें से हम क्या करते हैं वो कर सकते हैं,
वरना जो शुरू वाले मोबाइल फ़ोन थे जो उसमें ये फ़ोन बुक का ऑप्शन नहीं होता था, ये फ़ोन बुक का ऑप्शन तो बाद में आया फ़ोन के अंदर। लेकिन अब व्हाट्सएप के अंदर क्या हो गया कि वो पुरानी कन्वर्जेशन होती है उसी में जाते हैं बस बात करते हैं, वो हो रही होती है बात, ठीक है। तो वेल, हमसे जो व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है हमसे दो चीज़ें एज अ इनपुट लेता है कि वो मैसेज जो मैं भेजना चाहता हूँ और उस बंदे का नंबर जिसको भेजना चाहता हूँ, इन दोनों को लेता है, उसको वो समहाउ प्रोसेस करता है। अच्छा, प्रोसेस में क्या शामिल है? उस बंदे को सेंड करना किसी भी, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ वो बंदा अमेरिका में, तो वो उसको सेंड करना। अच्छा, जब वो उसको सेंड कर देता है तो उस बंदे के पास एक आउटपुट पहुँचता है इस व्हाट्सएप के। अच्छा, उसका तो फ़ोन पड़ा हुआ है, वो तो हाथ में नहीं लेके बैठा फ़ोन अपना, वो फ़ोन पड़ा हुआ है, वो एक दो आउटपुट पहुँचते हैं उसके पास। नंबर एक, वो घंटी बजाता है फ़ोन, एक तो पुश नोटिफिकेशन आती है जी टिंग करके एक मैसेज आ गया, और जब उसको वो ओपन करता है तो वो एक्चुअल टेक्स्ट मैसेज उसको नज़र आ जाता है जो मैंने भेजा है, ठीक है, और मेरा नाम भी नज़र आ जाता है कि जी किसने भेजा है। तो हर मशीन में फ़ोटोशॉप के अंदर या एक जो जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है MS वर्ड पे जो हम बनाते हैं, तो वो उसमें भी यही है जी कि हम उसको कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट देते जाते हैं, वो उसको लिखता जाता है। मैं कहता हूँ सेलेक्ट करो, कंट्रोल भी तो बोल्ड कर देता है, तो प्रोसेस भी कर रहा है उसको वो, तो मैं जो भी इनपुट दे रहा हूँ उसको वो रिसीव करता जा रहा है और प्रोसेस करता जा रहा है। फिर मैं कहता हूँ कंट्रोल पी, तो वो उसको प्रिंट निकाल के मुझे आउटपुट दे देता है, ठीक है। या मैं उसको कंट्रोल पी करके मैं PDF में भी कन्वर्ट करके किसी भेज भी सकता हूँ, डायरेक्ट भी ईमेल करने का ऑप्शन होता है। तो मल्टीपल, तो हमने ये देखा कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ज़रूरी नहीं है एक ही तरह का इनपुट आ रहा है और ज़रूरी नहीं एक ही तरह का आउटपुट आ रहा है। आउटपुट कभी चेंज, जैसे ATM मशीन की हम मिसाल ले रहे थे, तो ATM मशीन में मैंने, ATM मशीन मुझसे इनपुट क्या लेती है? हाँ, ATM मशीन मुझसे दो इनपुट लेती है। नंबर एक, मेरी ऑथेंटिकेशन डिटेल, वो कार्ड की सूरत में हो सकता है, वो थंब इंप्रेशन की सूरत में हो सकता है, वो फेस ID की सूरत में हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन की सूरत में भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादा चलता है ATM मशीन में वो ATM कार्ड चलता है, और उसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड एक्चुअली, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड के ज़रिए ऑथेंटिकेट करते हैं। आजकल फिंगरप्रिंट भी आना शुरू हो गया है कुछ बैंक्स में, और सारे बैंक में नहीं आया लेकिन कुछ में आना शुरू हो गया। अच्छा, तो मुझसे वो दो चीज़ें लेता है, एक तो मेरी ऑथेंटिकेशन डिटेल जिसमें पिन या कार्ड या थंब इंप्रेशन शामिल है, नंबर दो कितना अमाउंट मैं विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ATM मशीन खास अमाउंट विड्रॉ करने के लिए ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसमें मतलब और भी चलो छोटे मोटे होते हैं फीचर, लेकिन मेनली वो अमाउंट विड्रॉ। तुम अभी इमेजिन कर रहे हैं ऐसी मशीन है जिससे सिर्फ अमाउंट विड्रॉ होता है और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो मुझसे दो चीज़ इनपुट ले सकती है वो पॉसिबली, नंबर एक मेरी ऑथेंटिकेशन डिटेल, नंबर दो कितना अमाउंट मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। ये दोनों इनपुट लेकर उसको वो प्रोसेस करेगी उस डेटा को। प्रोसेसिंग में क्या चीज़ें होंगी? अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी ऑथेंटिकेशन की डिटेल सही है या गलत है, उसको समहाउ वो समहाउ वेरीफाई करेगी उसको वो। अच्छा, उसके बाद फिर जब वेरीफाई हो गया, ठीक है जी अकाउंट मेरा ही है, उसके बाद वो ये चेक करेगा जितना अमाउंट निकाला जा रहा है क्या इतने पैसे मौजूद हैं अकाउंट में, यस है मौजूद, तो ये एक और प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से नोट को गिनेगा फिर वो कि अच्छा जी 20,000 निकाला गया, तो 20,000 के ये नोट गिन लिए उसने, गिन के रेडी हो गया, अब वो मुझे आउटपुट देगा नोट, सही है। तो दरमियान में जो प्रोसेसिंग है ना वो बड़ी या छोटी हो सकती है। अभी आपने देखा कि ATM मशीन के अंदर 3-4-5 अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, कोई एक प्रोसेस भी फेल होगा तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी, है ना। कोई एक चीज़ भी फेल हुई किसी एक चीज़ में भी वो सक्सेसफुल, जैसे ऑथेंटिकेशन डिटेल गलत साबित हो गई तो वहीं से वापस आ जाएगा। तो आउटपुट उस सूरत में आउटपुट मुझे क्या देगा? वो नोट नहीं देगा बल्कि एक मैसेज देगा कि योर पिन इज़ इनकरेक्ट, है ना, या फेल टू विदड्रॉ, ट्राई अगेन, इस तरह की बात करेगा। या अगर ऑथेंटिकेशन पूरी हो गई उसके बाद उसने अकाउंट में बैलेंस चेक किया तो बैलेंस उतना मौजूद नहीं था अगर, तो फिर क्या बोलेगा वो? उस सूरत में भी एक वो मैसेज मुझे आउटपुट में देगा जो कि क्या होगा, इनसफिशेंट बैलेंस होगा, ठीक है। और अगर तीनों प्रोसेस सही हो जाते हैं तो भी मुझे वो आउटपुट देगा, लेकिन वो नोट की सूरत में देगा और शायद स्क्रीन पे एक मैसेज थैंक यू का भी बोल दे। तो हमने ये देखा कि दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो IPO मॉडल पे चलते हैं। तो हमने जितनी जावास्क्रिप्ट अभी सीख ली है और जितना हम आगे सीखने वाले हैं आगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बनाएं, और वो सॉफ्टवेयर ऐसे हों जो प्रेजेंटेबल हों, किसी को दिखा सकें, आप नानी दादी को, किसी घर में अम्मी को, किसी दोस्त को आप दिखा सकें कि जी ये सॉफ्टवेयर मैंने बना लिया छोटा सा, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेना सीखना है और यूज़र को आउटपुट दिखाना सीखना है, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। दरमियान का जो प्रोसेस है ना वो थ्रू आउट द कोर्स ही चलेगा लास्ट तक, यानी जावास्क्रिप्ट के ख़त्म होने तक वो दरमियान वाला प्रोसेस हम सीखते जाएंगे। अच्छा, अभी हमने दरमियान वाले प्रोसेस की जो बात सीखी है वो क्या सीखी है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर हम अभी यूज़र से दो नंबर ले लें इनपुट, यूज़र से इनपुट में दो नंबर ले लें, नंबर
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो उन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। इतना प्रोसेस हमने करना आगे है कि उन दोनों को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इतना प्रोसेस हम करना सीख गए। तो इतने को पहले यूज़र इनपुट लेके दो नंबर को प्लस करके उसको वापस पलट के दिखा देते हैं। तो एक कैलकुलेटर का छोटा सा सॉफ्टवेयर आज हमने इस क्लास से बना के उठना है, ठीक है? क्या क्या बना लिया तुमने? प्लस वाला बना लिया या माइनस वाला? आओ चेक करो। गुड यार, ये तुमने खुद बनाया? यस सर, चेकबोर्ड भी बनाया। तुमने खुद कैसे बनाया भाई? सर चैट जीपीटी से। हाँ, चैट जीपीटी से बनाया, लेकिन वो तुम्हें पता तो नहीं लग रहा ना कोड में लिखा हुआ क्या है। ये किस किस बात का जवाब देगा सर? 50 क्वेश्चन का आंसर डाल रहे हैं। अच्छा, 50 क्वेश्चंस हैं। तो टाइम तो ये सही बता रहे हैं, 5:01? यस। अच्छा, तो ये तो बड़ा लंबा कोड होगा इसका, तो अगर तुमने 50 क्वेश्चन इस तरह डाले हैं तो, जो तुमने पूरे चैट जीपीटी से लिखवा लिया सर? हाथ से भी कुछ किया तुमने? सही है, 50 क्वेश्चंस तो हैं इसके अंदर। गुड यार, चलो अच्छी बात है। इसने चैट जीपीटी से एक चैट बॉट लिखवाया, उसमें असल में वो इफ़ की कंडीशन है 50, और उस 50 इफ में वो, अच्छा क्वेश्चन अगर मैं मिस स्पेल करूँगा तब तो नहीं जवाब देगा ना ये? क्वेश्चन अगर मिस स्पेल करूँगा मैं तो फिर नहीं जवाब देगा ना? एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। हम इंशाल्लाह चैट बॉट बनाएंगे ना, उसको आप बोलोगे ना टाइम, कि व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम राइट नाउ, ऐसे किसी भी अंदाज़ में पूछोगे जवाब देगा। हम जो यहाँ बनाएंगे वो बनता है डायलॉग फ्लो से, ठीक है? तो इंशाल्लाह डायलॉग फ्लो से जब बनाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा उसमें। अच्छा जी दोस्तों, अब सब लोग यहाँ पे गौर से देखें, ये प्लेन HTML की फाइल है, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है। जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। जो नोट्स ले रहे हैं, जो लोग लैपटॉप खोल के बैठे हैं, मैं सारे बंद कर देंगे, सही है? कॉपी किताब, लैपटॉप, कंप्यूटर सब बंद कर दें और स्क्रीन की तरफ देखें और मेरी बात को ध्यान से सुनें। यहाँ पे मैं, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? यूज़र से दो नंबर चाहिए ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर मुझे अगर यूज़र से इनपुट लेना होता है तो मुझे क्या चाहिए होता है? एक अदद फॉर्म चाहिए होता है मुझे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक अदद फॉर्म बना दिया। ये फॉर्म समझते हो ना, जो साइनअप का फॉर्म होता है कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो फॉर्म होता है। तो मैंने भी फॉर्म बना दी जिसमें दो खाने आ रहे होंगे। नंबर एक क्या लिखा होगा उस पर? के फर्स्ट नंबर, ठीक है? और उसके आगे से कॉलन लगा होगा और फिर एक खाना बना पा रहा होगा। इनपुट, इनपुट का टैग इस्तेमाल होता है इसके लिए। अच्छा, इनपुट आ गया एक। उसके बाद मैंने कहा कि br, और उसके बाद सेकंड नंबर, ठीक है? ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया। उसके बाद क्या आ गया जी? एक और br, लाइन चेंज, उसके बाद एक अदद बटन, और इस बटन पे क्या लिखा होगा? सम, ठीक है? तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन के पूरा रेडी हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा स्क्रीन पर यह फॉर्म किस तरह का दिख रहा है, ठीक है जी? स्क्रीन पे ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिख जाता है। अच्छा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मैंने फ़ौरन खोल लेना है। कोई भी बंदा मुझे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करता हुआ नज़र आए और उसका ये खुला हुआ ना हो ना, तो वो फिर पता नहीं क्या कर रहा है, कोडिंग नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है वो, ठीक है? तो जब भी आप कोडिंग करने बैठेंगे, प्रैक्टिस करने बैठेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे आप, तो आपके पास ये इंस्पेक्ट वाला जो पार्ट है ना, ये कॉन्सोल वाला पार्ट, ये आपके पास खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है? कोई भी मुझे ऐसे ना करता पाएगा, सर इसमें नंबर लिख रहा हूँ ये तो चल रहा है, ऐसे करता हुआ कोई भी नज़र ना आए। मुझे जब आएंगे ना तो ऐसे आएंगे आप मेरे पास, ये खुला हुआ होगा, यहाँ पे ये कॉन्सोल पे आया होगा, अब बोलेंगे कि सर इसके अंदर मैं नंबर लिख रहा हूँ चल रहा होगा, सही है? क्योंकि जो भी एरर आता है जावास्क्रिप्ट में वो इधर आता है। तो एज अ डेवलपमेंट के टाइम पे एटलीस्ट आपने ये खोल के रखना है।
अच्छा तो ये मेरे पास फॉर्म क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, मेरा फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसमें से जो भी बंदा लिखता है, मिसाल के तौर पर 23 लिखता है और यहाँ पे लिखता है 12, तो सम के बटन प्रेस करने पे मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल के अंदर लाना है। कैसे करूँगा मैं ये काम, आ जाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको दूंगा एक अदद आइडेंटिफिकेशन आईडी, ठीक है, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना मैं उसको वैल्यू को जब एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ फला इनपुट बॉक्स में जो भी इस वक्त लिखा हुआ है ना वो ले आओ, तो ये तो दोनों इनपुट बॉक्स एक जैसे हैं, पता तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, मैं लिखूँगा भाई फर्स्ट नंबर, कोई भी मेरी मर्ज़ी का कोई भी आईडी हो सकती है, फ़िलहाल मैंने फ़र्स्ट नंबर लिख दिया, ठीक है, और दूसरे वाले में मैंने लिख दिया सेकंड नंबर। ये मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम है, लेकिन ये जो नाम मैं यहाँ लिखूँगा फिर उसी नाम से मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अच्छा, बटन के ऊपर भी एक चीज़ होती है टाइप सबमिट, अगर वो मैं लगा दूँ तो अच्छी बात है, ना लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्म के अंदर एक बटन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट कंसिडर होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या करूँगा, आ जाते हैं जी हम यहाँ पे, मैं लगा दूँगा ऑन सबमिट कि जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो क्या करना है। जब यानी जब दो नंबर लिख के सम का बटन प्रेस करते हैं ना तो वो एक्चुअली सबमिट का बटन होता है ना, जिसमें नाम लिखा हुआ है उसका सम। तो जब ये सबमिट का बटन प्रेस हो, जब ये सम का बटन प्रेस हो दोनों वैल्यूज़ लिखने के बाद, तो क्या किया जाए, तो ऑन सबमिट के ऊपर ये बात है। तो मैंने कहा कि जी डू सम, ठीक है। अच्छा, ये डू सम जो है वो एक फंक्शन का मैंने नाम, अच्छा ये नोट कीजिएगा जो मैंने केस सेंसिटिविटी यहाँ पे यूज़ किया ना, कि जी मैंने एन कैपिटल लिखा है, कैमल केस इस्तेमाल किया है। कैमल केस सब लोगों को पता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट, कि कैमल केस होता है कि स्नैक केस होता है, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैमल केस इस्तेमाल करते हैं। तो ये केस सेंसिटिव भी होता है, अगर मैंने इसमें एन कैपिटल लिखा है तो मैंने इसको आगे जब लिखना है इसके रेफरेंस को तो एन कैपिटल ही लिखूंगा तो मुझे मिलेगा ही, अदरवाइज मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, आईडी के अंदर स्पेस भी नहीं आ सकता, ये भी याद रखें। अच्छा, तो डू सम के नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बोला कि इस फंक्शन को चला देना जब कोई सम का बटन प्रेस करे तो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या चीज़ है, अब आएगी जावास्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिखा और यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, फंक्शन डू सम, ठीक है। और ये मैंने क्या बना दिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया मैंने, एक मैंने क्या बना दिया, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इवेंट और यहाँ पे भी मैंने लिखा इवेंट, ठीक है। अभी इवेंट क्या चीज़ है इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, मैंने पहले तो कंसोल लगाता हूँ ना, पहले तो देखूँ ये फंक्शन क्लिक पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। बटन क्लिक्ड, सही है, बटन क्लिक हो गया। तो मैं असल में यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब इसमें ऑन सबमिट हो ना, इस फॉर्म के ऊपर जब सबमिट का बटन प्रेस किया जाए तो यहाँ ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है ये, और ये इस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम है। तो मैंने कहा यार ये इतने कोड को चला देना, तो इसमें अभी क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोल डॉट लॉग, तो वो कॉन्सोल डॉट लॉग चला देगा जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा। आ जाओ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, तो यहाँ पे कुछ लिखा मैंने और यहाँ पे कुछ लिख के सम का बटन प्रेस किया, वो ये बटन क्लिक चल गया। अच्छा, लेकिन फॉर्म का पूरा पेज रिफ्रेश हो गया, तो पेज रिफ्रेश से बचाने के लिए जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको मैंने प्रिवेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रिवेंट। अच्छा, ये काम इसी तरह होगा हर दफ़ा, ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये काम हर दफ़ा इसी तरह होगा। तो आप बस एक दफ़ा आपने कोड मेरा देख के लिख लिया अपने हाथ से तो आपका ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, ठीक है। और थ्रू आउट द कोर्स फिर हमने ये करना है, यानी अभी पिछले जो अगले डेढ़ महीने तक हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट, तो हर असाइनमेंट के अंदर आपने ये काम करना है और इसी तरह करना है। अच्छा, तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में लगाऊंगा ना तो फिर रिफ्रेश होना बंद हो जाएगा। ये देखो, अब आके मैं करूँगा ना, जब इसको रिफ्रेश किया मैंने और इधर क्लिक किया, अब जब मैं इसमें कोई नंबर लिखूँगा तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। अब सिर्फ क्लिक के ऊपर ये कॉन्सोल आ रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो मैं जितनी दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ वो एक्चुअली वो ब्लॉक ऑफ कोड पूरा का पूरा उतनी दफ़ा चल रहा है। अच्छा, अब ये तो चलना शुरू हो गया ब्लॉक ऑफ कोड। अब मैंने एक्चुअली करना क्या है कि इसके अंदर आके मैंने क्या बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है, लेट फर्स्ट नंबर, किसी भी नाम से मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैंने क्या लिखा आके डबल कोटेशन में हैश, और हैश के बाद ये आईडी, एग्जैक्टली जो मैंने आईडी ये ऊपर लिखी है इसको मैंने लाके यहाँ पे लिख देना है,
लेकिन हैश के साथ, CSS में भी हमने हैश के साथ देखा था ना आई डी को, ये वही आई डी है एक्चुअली, आई डी के ज़रिए मैं उसको पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा एग्जैक्टली ये वाला एलिमेंट है ना जो, ये उठाओ और इसके अंदर इस वक्त जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो उठा के ले आओ, ठीक है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, मेरा HTML का डॉक्यूमेंट पूरा जो है ना वो ये। तो ये असल में ये कह रहा हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी का मतलब होता है तलाश करना, कि मेरे HTML डॉक्यूमेंट में तलाश करो जाके, क्या तलाश करो, इस ID से कोई भी एलिमेंट है जो मौजूद है वो तलाश करो, उसके अंदर डॉट वैल्यू, इस वक्त जो वैल्यू लिखी हुई है वो उठा के ले आओ। तो ये बॉयलर प्लेट कोड है, हर दफ़ा इसी तरह लिखना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा तो अब क्या होगा ऐसा करने से, कि ये फर्स्ट नंबर का जो वेरिएबल है इसमें अभी जो भी लिखा हुआ होगा ना उसमें फील्ड में, वो उठ के यहाँ आ जाएगा इस वेरिएबल में। अच्छा इसी तरह मैं सेकंड वाले को भी उठा लेता हूँ। ये हाँ ये पूरा कैसे कॉपी होगी, अच्छा सवाल है। ये मैंने किया शॉर्टकट मेरे कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन और शिफ्ट करके मैंने डाउन किया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन शिफ्ट डाउन है, अच्छा विंडोज़ में ये क्या होगा, विंडोज़ में ये कंट्रोल वी नहीं होगा, ये होगा अल्टर शिफ्ट और डाउन होगा, ये अल्टर शिफ्ट और डाउन होगा ये मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा ये शॉर्टकट्स का ना इसके अंदर पूरा बना हुआ है, मैं यहाँ हेल्प में जाऊँगा ना, मैं लिखूँगा शॉर्टकट्स, ये आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ लिखे हैं। तो इसके अंदर देख लेना क्या है वो वाला की सर्च मैंने ये लिखा है ना डाउन, अरे काम ही नहीं कर रही है, छोड़ो। तो बाहर तो ये मैंने अपने कीबोर्ड में कैसे किया, ऑप्शन शिफ्ट और डाउन किया तो ये डबल हो गया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, देखो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया तो इसके पड़ोस वाला भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं मिटाऊँगा ना तो वो दोनों साइड से मिटेगा, नोट कर रहे हो, और जब मैं लिखूँगा तो दोनों साइड लिखाएगा, सही है। इसी तरीके से मैं एक और भी काम करता हूँ कभी कभी, मैं कर्सर को डुप्लीकेट करता हूँ। कर्सर को डुप्लीकेट कैसे करता हूँ, कंट्रोल कमांड और डाउन से करता हूँ, नहीं ऑप्शन कमांड और डाउन से करता हूँ। अब यहाँ मैं जो लिखूँगा दोनों पे लिखाएगा, ठीक है। अच्छा इसको माउस से भी किया जा सकता है, मैं अल्टर पकड़ के जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ये वहाँ वहाँ माउस का कर्सर आता जाएगा। देखो ये अल्टर पकड़ा हुआ है मैंने, यानी कि ऑप्शन पकड़ा हुआ है मेरे में, विंडोज़ में अल्टर नाम होता है इसका। ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, देखो ये कर्सर आता जा रहा है, मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ कर्सर आ जाएगा, और जब मैं लिखूँगा तो ये सब जगह लिखाएगा। लेकिन माउस को आपने टच नहीं करना एक्चुअली, ये मेरी सबसे आप समझ लें कि बड़ी नसीहत है आपके लिए, कि माउस को टच नहीं करना है आपने। कोशिश करना है डेवलपमेंट के टाइम के जिस हद तक चीज़ें हो सकें आप कीबोर्ड से करें। माउस को टच करने से बहुत टाइम ज़ाया होता है और डेवलपर्स ख़ास तौर पर माउस को अवॉइड करते हैं। अगर आप किसी जगह इंटरव्यू में गए ना और आपने माउस से ऐसे ऐसे किया तो वो समझ जाएगा ये अभी नया नया है, क्योंकि वो थोड़े दिन में बंदा तंग हो जाता है, फिर खुद ही कीबोर्ड के शॉर्टकट ढूंढता है यार इस काम को कीबोर्ड से मैं करूं कैसे। तो बेहतर है कि अभी से आप इसको अपने आदत डालें कि आप ज़्यादातर काम ना कीबोर्ड से करें, ठीक है। एरो की जो कीज़ हैं इसको आप इस्तेमाल करना सीखें, जो आपके कीबोर्ड के अंदर होम का बटन और एंड का बटन होता है, ठीक है। एंड के बटन को दबाने से लाइन के लास्ट में चला जाता है, जैसे ये जा रहा है, और होम के बटन को दबाने से लाइन के शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उधर है ना शॉर्टकट में लिखा होगा, नहीं नहीं ये कीबोर्ड का आपके, ये किसी भी ऐप में होगा, ये MS Office में भी काम करेगा, ये कीबोर्ड के अंदर बिल्ट इन चीज़ जो है। आपके कीबोर्ड में होम का एक बटन होता है, कहाँ पर भला, जहाँ पे एरो कीज़ होती है ना उसके ऊपर की साइड पे होता है, पेज अप पेज डाउन होम एंड डिलीट। जो डिलीट का बटन है ना, हाँ सही है, वो तो कम कॉम्पैक्ट है ना, इसमें छोटा है साइड में, जो फुल कीबोर्ड में ज़रा चकोर सा सारे बटन एक साथ होते हैं। चलो इसको बंद कर दो। अच्छा इसी तरीके से जो बैक स्पेस का बटन है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं अगर बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये इस तरफ डिलीट करेगा ना, डिलीट का बटन वो दूसरी साइड से करता है, तो मैं ये डिलीट का बटन ये इस तरह देखो अपोजिट डिलीट करता है ये डिलीट, तो डिलीट का बटन भी बड़े काम का रहता है काफ़ी टाइम तक ना, डिलीट का बटन बहुत सही रहता है। तो ये सारे जो कीबोर्ड के बटन्स हैं ना, इससे फेमिलियर हो जाओ और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। माउस से बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, कीबोर्ड का एक्सपीरियंस माउस से कहीं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर निशाना लगाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके ना, टाइम लगता है उसमें, आपके विजुअल्स इस्तेमाल होते हैं कीबोर्ड में, आपके विजुअल इस्तेमाल नहीं होते, आपकी मसल मेमोरी इस्तेमाल होती है।
कि आप अगर किसी सर्टेन जगह पे को बटन दबाते हैं ना तो वो प्रेडिक्टेबल है कि हर दफ़ा वो काम वही करेगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं डाउन 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 दबाऊंगा ना तो ये प्रेडिक्टेबल है। मैं अगर मिसाल के तौर पर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं 3 दफ़ा डाउन दबाऊंगा तो मैं एक ही जगह पहुँचूंगा। माउस में तो स्पीड अलग होती है हर माउस की, पता नहीं क्या बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, निशाना लगाना पड़ता है माउस में, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन के किसी में अच्छा माउस भी होता है तो आपको मज़ा आता है तो आपकी आदत पड़ जाती है माउस की, फिर किसी में जाते हैं तो माउस सही नहीं मिलता, फिर मज़ा नहीं आता। वेल तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट फर्स्ट नंबर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके मैंने फर्स्ट नंबर वाला जो मेरे पास इनपुट बॉक्स था उसकी वैल्यू को उठा लिया। अच्छा, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आया कि फ़र्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में वाकई मुझे वो वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, फ़र्स्ट नंबर को और साथ में जो सेकंड नंबर है इन दोनों को कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा और सबमिट का बटन दबाऊँगा तो इतना ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा और वो उसको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ से, वेरिएबल में डालेगा और वेरिएबल कंसोल हो जाएगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। कट किया मैंने, रिफ्रेश किया, मैंने कहा भाई 23 और 11 सम, तो ये दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए 23 और 1। अच्छा, अगर मैं किसी एक को खाली छोड़ूँ तो खाली आ जाता है वो वाला, ये क्या हो गया। अब अगर बंदे ने दो नंबर दिया, एक नंबर खाली है तो मैं किसको प्लस करूँगा, लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HTML के फॉर्म पे आके एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो लिहाजा अब ये क्या करेगा, जब तक बंदा कोई इनपुट वैल्यू नहीं देगा उसको ये सबमिट का बटन प्रेस करने ही नहीं देगा। अब ये जब मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं किसी एक को खाली छोड़ के अब दूसरा देता हूँ सिर्फ, तो मुझे ये बोलेगा कि भाई प्लीज़ सबमिट दिस फॉर्म, इस तरह करके बोलेगा, ठीक है, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, मुझे ये सबमिट नहीं करने देगा। जब मैं दोनों लिखूँगा तो तभी मुझे सबमिट करने देगा। अच्छा, अगली बात, यहाँ पे किसी ने ABC लिख दिया, सबमिट किया तो ये तो ABC आ गया, अब ABC को प्लस कैसे करेंगे, ठीक है। लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको आके कर दूँगा मैं नंबर। तो अब क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो अब मुझे ये 1 2 3 तो लिखने देगा लेकिन ABCD नहीं लिखने देगा, और यहाँ पे एक साथ में ये एरो भी बना हुआ आ गया, ठीक है। सम मुझे ये स्टिल वो नंबर नहीं, ABC टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ये सेटिंग कर दी इसकी। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, इसको प्रोसेस करना है ना, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। कैसे करूँगा मैं प्लस, लेट रिजल्ट इक्वल्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दैट्स इट। और इस रिजल्ट को मैं अगेन कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ, तो रिजल्ट में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, दोनों नंबर का जो भी सम बनता है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। लिहाजा अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ 20 और यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं 11 मिसाल के तौर पे, तो सम का बटन दबाते ही कॉन्सोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए इसका रिजल्ट। कितने ऐसे लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है। हाँ भाई बताओ, थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए ना क्लास, सामने से आप लोग भी तो थोड़ा पार्ट लें। हाँ भाई, क्या प्रिंट होगा, कोड देख लो, ये कोड है हमारे पास, क्या होगा 31 प्रिंट हो जाएगा। बाकी लोग किसी और का कोई ओपिनियन, 31 होगा। हाँ भाई 31 होगा, इसका मतलब है किसी ने भी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई है। 2011 कौन कह रहे हैं, तुम कह रहे हो, अच्छा क्यों बताओ, कौन कॉर्डिनेट कर रहा है। अच्छा, और लोग, हाँ नहीं वो तो सही है, हाँ लेकिन इस रिजल्ट के अगेंस्ट ये क्या प्रिंट करेगा। एक दो अभी मेरे पास जवाब आए हैं, नंबर एक तो जवाब आया है कि जैसे मैंने 20 और 11 लिखा था ना, तो नंबर एक जवाब मेरे पास आया है कि 31 और नंबर दो जवाब आया है कि 2011 यानी 2011। तो कितने लोग आप में से ये हैं जो 31 पे एग्री करते हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी लोग जो है वो 2011 पे एग्री करते हैं, कितने लोग 2011 पे एग्री करते हैं। सही है, सम का बटन दबाया 2011 आ गया, ठीक है। अब ये 2011 क्यों आ गया भाई, मैंने तो लगाया था प्लस,
हमने ये देखा था कि दो नंबर पे जब हम प्लस लगाते हैं तो वो, हम जब दो नंबर के ऊपर प्लस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो तो सम हो जाता है। तो ये जुड़ कैसे गया, ऐसे कॉन्कैडिनेट कैसे हो गया ये, ठीक है, ये असल में क्या हुआ है, कॉन्कैडिनेट हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं किसी इनपुट बॉक्स से कोई वैल्यू उठाता हूँ, बावजूद इसके कि उसकी टाइप नंबर होती है, लेकिन जब मुझे वो वैल्यू मिलती है तो वो किस फॉर्मेट में मिलती है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है। तो लिहाजा मुझे ये नंबर जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं तो ये नंबर मुझे ना, यानी फर्स्ट नंबर की जगह पे ये 20 जो मुझे मिला है वो असल में ऐसे मिला है, मुझे स्ट्रिंग में मुझे मिला है 20, ठीक है। और यहाँ सेकंड नंबर की जगह पे जो है वो क्या मिला है, 11 तो मुझे मिला है, लेकिन वो इस तरह से मिला है, 11 स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिला है, ठीक है। यूज़र से इनपुट जो मैंने लिया वो स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे मिला है। अच्छा, अब इसका मैं क्या करूँ, इसको पहले मुझे नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं right. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बोलूँगा कैपिटल एन से नंबर और फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये एक फंक्शन है बिल्ट इन जो नंबर में कन्वर्ट करने के काम आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपने नंबर में कन्वर्ट नहीं करना तो आप ना करें, सही है। मिसाल के तौर पर आपने सम टाइम, ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा नंबर का इनपुट लें, कभी आप टेक्स्ट का इनपुट भी ले सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट का इनपुट होगा तो फिर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है नंबर में, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि जी नंबर हो तो आप कन्वर्ट करेंगे फिर, ऑब्वियसली दूसरा भी, इसको भी नंबर में कन्वर्ट करूँगा मैं, ठीक है। सर यही वाला काम ऊपर कर, हाँ ये ऊपर कर सकते, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको भी नंबर में कन्वर्ट किया, इसको भी मैंने नंबर में कन्वर्ट किया और फिर इसको प्लस किया। तो लिहाजा अब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये किस तरह से इवेल्यूएट होगा, ये वाला इतना पार्ट क्या रिटर्न करेगा, इतना पार्ट फर्स्ट नंबर को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। यानी कि लिहाजा पहले जो मिलता था ना मुझे 20 जो है वो मुझे पहले इस तरह मिलता था, अब मुझे वो इस तरह मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये 11 जो दूसरा नंबर है मेरा न्यूमेरिक फॉर्म में, स्ट्रिंग को ये दोनों उसके ना वो हटा देगा। तो मैं इसको वापस ले आता ऐसे करता हूँ, और ऐसे करने के बाद क्या करता हूँ, अब इसको जो है वो क्या करना चाहिए, अब कॉन्कैडिनेट नहीं करना चाहिए, अब इसको प्रॉपर जो है वो सम परफॉर्म करना चाहिए। आता हूँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कट करता हूँ और 20 और साथ में 11 और सम करता हूँ, तो अब यहाँ पे 31 आता है, ठीक है। अब 31 का देखें कलर अलग आ रहा है, ये प्रिंट जो हो रहा था स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, इसका कलर अलग है, कॉन्सोल पर मुझे थोड़ा सा फील करवा रहा है कि हाँ यार अब मैं डिफरेंट हूँ। अच्छा, अब मुझे लिहाजा कॉन्सोल पे तो प्रिंट मैंने करवा दिया, लेकिन मैंने यूज़र को दिखाना है, ये तो डेवलपर कॉन्सोल है, ये तो सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है डेवलपर कॉन्सोल, मुझे तो वो यूज़र को दिखाना है नंबर, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक अदद, कोई भी एलिमेंट डिव बना देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये डिव मुझे स्क्रीन पर नज़र तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये स्क्रीन पर जब तक मैं इसके अंदर कोई बात नहीं लिखूंगा ये नज़र कैसे आएगा, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। या मैं अगर H1 बना देता हूँ यहाँ, ठीक है, डिव भी बना सकता हूँ मैं, H1 भी बना सकता हूँ मैं, H1 बनाता हूँ, इसको मैं ID दे देता हूँ, ठीक है, डिव को भी ID देता है, इसको भी दे रहा हूँ। मैंने कहा जी रिजल्ट विंडो, ठीक है, रिजल्ट विंडो या रिजल्ट बॉक्स कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम होगा, रिजल्ट बॉक्स कर दिया मैंने, इसको ID दे दी, ठीक है। इस H1 में क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये नज़र नहीं आएगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ या कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि ये मौजूद है, अगर मैं इसको चेक करूँ ना यहाँ पे आके, तो आप देखें ये H1 यहाँ मौजूद है, फॉर्म के फ़ौरन बाद मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है अभी, तो स्क्रीन पे ये ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास ये रिजल्ट का जो वेरिएबल है, इसको मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश वो ID रिजल्ट बॉक्स, और ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल कैपिटल एग्जैक्टली इसी तरह लिखेंगे तो चलेगा, ये डॉट इनर HTML इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट में जाओ, तलाश करो इस नाम का एक एलिमेंट, और उसके डॉट इनर HTML में ये रिजल्ट में जो भी बात है ना वो डाल दो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि एक में लगाया था मैंने डॉट वैल्यू, दूसरे में लगाया मैंने इनर HTML, तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो उसकी वैल्यू उठाने के लिए ना वैल्यू इस्तेमाल होता है, लेकिन जो भी किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट है उसको चेंज करने के लिए इनर HTML या इनर टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैंने इनर HTML कहा, तो लिहाजा अब क्या होगा कि ये जो भी बात लिखी है ना मैंने, ये इस जगह पे जहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इस जगह पे आके वो अपेयर हो जाएगा इनर HTML से। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। रिफ्रेश किया मैंने और मैंने कहा कि जी 20 अगेन 11 सम 31 यहाँ प्रिंट हो गया। अच्छा, आप सिर्फ 31 तो नहीं दिखाना मुझे,
मैंने पूरी एक बात लिखनी है ना कि जी द सम ऑफ 20 एंड 11 इज इक्वल्स टू 31. तो अब ये बात मैं कैसे लिखूंगा, लिहाजा अब मुझे रिजल्ट के अंदर पूरा जुमला चाहिए, पूरा एक्चुअली पूरा जुमला चाहिए. तो मैं क्या बना देता हूँ, एक और वेरिएबल लेट मैसेज. ठीक है, लेट मैसेज के अंदर देखें, मैं गौर से देखें क्या कर रहा हूँ, डबल बैकटेक लगाया मैंने ये. ठीक है, अच्छा एक तो डबल इससे भी लिख सकता था मैं, लेकिन ये बैकटेक जो है ना ये नई चीज़ है, ये है ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो मुझे एक्सेल में मैसेज जो बनाना है वो मैंने क्या बनाना है कि द सम ऑफ 20 एंड 11 इज 31. एक्चुअली मुझे इस तरह का एक मैसेज बनाना है. अच्छा अब आप इसको गौर से देखेंगे ना अगर, तो ये जो सिंगल कोट नहीं है, ये सिंगल कोट ऐसा होता है, ठीक है, और डबल कोट जो है वो ऐसा होता है. ये है बैक टिक, जो बैक टिक ये वाला है, ये आप आप वो पता नहीं क्या है, लेकिन बैक टिक कहते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर. ये आपके जो कीबोर्ड में एस्केप का बटन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, एस्केप के बटन के नीचे जो अलिफ मद्दा वाला बटन है ना, इसके ऊपर होता है. तो अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अलिफ मद्दा आएगा हाइफन, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो ये बैक टिक आएगा. ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक टिक से ये टर्मिनल जो खुलता है ये वो वाला बैक टिक है. अच्छा आप ना ये बैक टिक से जब लिखेंगे तो इस तरह के ये भी स्ट्रिंग है एक्चुअली. ठीक है, अच्छा ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ES5 में, ES6 से पहले यानी कि ES5 में ये बैक टिक मौजूद नहीं था, सिर्फ सिंगल कोट और डबल कोट था, दोनों से लिख सकते थे. अच्छा तो बैक टिक वाले में क्या फ़ायदा है, बैक टिक वाले में फ़ायदा ये है कि इसमें हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं. ठीक है, इसका जो प्रॉपर नाम है वो क्या है, इसको कहते हैं ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट. तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, इसकी जगह पे डॉलर ऐसे करके लगाऊंगा, किसी भी वेरिएबल का नाम लिखूंगा, बीच में आ जाएगा वो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल का नाम लिखना है, फर्स्ट नंबर. तो मैंने लिखा कि भाई द सम ऑफ, और फर्स्ट नंबर में जो भी होगा फिर वो, एंड उसके बाद एक और टेम्पलेट लगाया मैंने, सेकेंड नंबर इज 31. 31 की जगह मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए, रिजल्ट चाहिए. ठीक है, हाँ तो मैंने ये क्या कर दिया, ये पूरा एक जुमला कंस्ट्रक्ट कर दिया. ठीक है, पूरा एक जुमला कंस्ट्रक्ट किया मैंने, और वो जुमला किस वेरिएबल में है, मैसेज के वेरिएबल में वो मौजूद है. तो इस मैसेज के वेरिएबल को अब मैं डिस्प्ले करा देता हूँ. ठीक है, समझ आया क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, रिजल्ट बॉक्स में जाओ, इनर HTML में ये मैसेज डिस्प्ले कराओ, पहले जस्ट रिजल्ट करवाते थे वो नहीं करवाओ. ठीक है जी, हो जाएगा सब लोगों से ये काम, इतना आ जाए ज़रा करके देख लेते हैं इसको हम. मैंने कहा 20 11, ये आ गया. ठीक है, अब इसमें वैल्यू चेंज भी करता रहूँगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. 43 कर दिया मैंने सम, तो ये चेंज हो गया. 43 एंड 11 इज 54. ठीक है, 43 एंड 2 अगर मैं कर दूँ इसको, 43 एंड 2 45. तो ये मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया, एक छोटी सी कैलकुलेटर की ऐप तैयार हो गई मेरे पास. ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेटर की ऐप आप सब लोगों ने अभी यहाँ से बना के जाना है, आपके पास 30 मिनट्स हैं क्लास ख़त्म होने में, तो ये कैलकुलेटर आपने अभी बना के जाना है. अच्छा उसके अलावा इसी से मिलता जुलता तीन टास्क मैंने, इसी से मिलते जुलते तीन टास्क जो हैं वो मैंने गूगल क्लास रूम पर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, एक घंटे पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो वो आपने बनाना है. अच्छा वो क्या है, देखें गौर से इस चीज़ को समझेंगे तो समझ आएगा. ये जैसे ये दो इनपुट है ना, ये दो इनपुट है, इस दोनों इनपुट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको उठा के वेरिएबल तक लाना तो आप आसान है. ठीक है, वेरिएबल तक आ गया, ये यहाँ तक की चीज़ हो गई सेम. ठीक है, अच्छा अब इन दोनों नंबर के साथ जो मर्जी चाहें आप करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड. अच्छा अगर आपको इस दोनों नंबर की जगह एक नंबर मिलता है और आपसे कहा जाता है कि जी जो नंबर दिया गया है ना आपको, ये सेल्सियस है, इसको फॉरन हाइट में कन्वर्ट करें, आप कैसे करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड मारेंगे किसी ना किसी से, है ना, 273 से पता नहीं मल्टीप्लाई वगैरह मारेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा. वो देख लीजिएगा इंटरनेट पे किस तरह होता है. अच्छा और इसी तरह आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू फला फला नंबर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई फला फला नंबर, तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया. अब उस रिजल्ट को वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराएंगे, ये नीचे तरीका आया है. तो इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट देने का तरीका ये अब सेम रहेगा हमारा इस थ्रू आउट द कोर्स जो हम जावास्क्रिप्ट पूरा पढ़ेंगे आखिर तक. तो इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट देने का तरीका सेम रहेगा. ठीक है, दरमियान का प्रोसेस आपने क्या करना है, अब आपने देखो प्लस एक तो मैंने करना सिखा दिया, तो माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, वो तो चलो हो गया, वो तो कर ही लेना. लेकिन जो तीन टास्क मैंने दिए, नंबर एक क्या है, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला, नंबर दो क्या है, स्क्वायर यार्ड्स को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने वाला. एक आपको नंबर मिला है दैट इज स्क्वायर यार्ड्स,
अब उसको स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई ना कोई फार्मूला होगा, मल्टीप्लाई वगैरह मुझ मारेंगे उसमें तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक आपको मिलेगा मरला इनपुट में, और आपने उसको क्या कन्वर्ट करना है, उसको भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो तीन टोटल, ये तीन ऐप मैंने आपको दिए, तीनों ऐप के अंदर इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट देने का तरीका सेम है, बस बीच का प्रोसेस चेंज है। अच्छा, बीच का प्रोसेस अभी हमने सीखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इसमें और भी प्रोसेस हम सीखेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक। तो ये बीच का प्रोसेस हमारा चेंज होता रहेगा और एडवांस होता रहेगा, इनपुट लेने का तरीका, आउटपुट दिखाने का तरीका थ्रू आउट द कोर्स हमारा सेम रहेगा, ठीक है जी। जल्दी से ये है ना काम सब लोग अभी कर लें, ये जो मैंने करके दिखाया है। अच्छा, ये कोड आपका मैं पुश कर रहा हूँ github.com पे, ठीक है। सब लोगों को एक्सेस है github.com का, ठीक है। आप जाएंगे गूगल पे, इंजमाम मलिक टाइप करेंगे, ये आ गया जी नंबर 3 पे github.com का URL आ गया मेरा। यहाँ पे आप जाएंगे रिपॉजिटरीज़ में, और रिपॉजिटरीज़ में जाने के बाद ये सेक्शन सी आपका आ रहा है अपडेटेड नाउ, अभी क्योंकि इसमें गोड पोर्ट पुश किया मैंने तो इसलिए टॉप पे आ रहा है अभी। यहाँ पे ES6 इनपुट आउटपुट के फोल्डर में आप चले गए, और यहाँ पे वो index.html की फाइल आ गई आपके पास, ठीक है जी, जिसमें ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कोड को आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इस कोड को देख कर अपने हाथ से टाइप करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं आएगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट इज़ चल जाएगा, ना कोई एडवेंचर होगा ना कोई इंटरटेनमेंट होगी, कहाँ पे गड़बड़ होती है क्या होती है कुछ पता नहीं लगेगा। अपने हाथ से लिखोगे छोटे मोटे एरर आएंगे, कोड को टैली करना, फिर इंशाल्लाह एरर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने हाथ से लिखोगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑटोमेटिक मसल मेमरी में ये चला जाएगा, मसल मेमरी पता है ना सब लोगों को, तो मसल मेमरी में आपके चला जाएगा, फिर आपको कोड सोचना नहीं पड़ेगा या क्या है, वो ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस में आपके आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना, चलो कॉन्सोल डॉट लॉग के ऊपर जो है ना डेवलपर्स के लिए प्रिंट करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग ही इसका नाम रहेगा। कॉन्सोल के ऊपर जो भी चीज़ प्रिंट करते हैं वो सिर्फ डेवलपर के देखने के लिए होती है, वो आम यूज़र को दिखाना हम नहीं चाहते, ठीक है। चलो,